मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरी गोद में आया है और मैंने भी बेसाख्ता उसको बेटी बुलाया है। फरमाने नबी है कि वो जन्नत में जाएगा जिसने भी बेटी से रिश्ता निभाया है। ओ गुड़िया रानी, तेरी शैतानी। मेरे घर पे रहमत रहने आ गई है, फरिश्ता से मुझे बाबा कहने आ गई है। पहले एक बेटी थी वो कमजोर पड़ जाती थी, अब मेरी जिंदगी मांगने दोनों बहनें आ गई हैं। मैं पहले ही खुश था कि साहिबे औलाद था, मेरे गमों को अब ये दोनों सहने आ गई हैं। और इतने बुरे वक्त में इतनी खुशी की खबर, नायाब फूल है या मुगलों के गहने आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, यस दिस इज सिद्दीकी बॉस। और मेरे चेहरे की स्माइल देखें, आंखें कितनी बेरौनक हो रही थी, अब रौनक आ गई ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने रहमत दी है, अल्लाह ने आफियत का मामला किया, अल्लाह ने बेहतरीन जो है वो खुशी का पैगाम भिजवाया। जब अल्लाह जो है वो इतनी सारी परेशानियां देता है, आजमाइशें देता है, उसके साथ साथ खुशी का पैगाम भी दे देता है। तो मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई है माशाल्लाह, अल्लाह नज़रे बस से बचाए। और शक्ल जो है इसकी अभी इसलिए नहीं दिखा रहा कि यूट्यूब चैनल पे 4 दिन के बाद इंशाल्लाह इसके चेहरे को हम रिवील करेंगे और फिर हम बताएंगे सिद्दीकी बॉस की शहजादी जो है वो कैसी लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। तो आप तमाम लोग देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों की इतनी दुआओं का। खुशी का पैगाम है और रब से जो है अपने बाप की जिंदगी छीनने के लिए आई है। बाकी पोमल सिद्दीकी तो मेरी है ही है ही। पोमल सिद्दीकी जो है वो अभी बाहर घूम रही है, वो जब आएंगी तो उनको भी दिखाएंगे साथ साथ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एक दो शेर लिखें, वो इसके बाद पढ़ूंगा, देखिएगा जरूर।